मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून और व्यवस्था से संबंधित घटना, चाहे वह राजस्व क्षेत्र की हो या पुलिस क्षेत्र की, जिससे भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे गंभीरता से लेकर उसके समाधान की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में वन क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में होटल, रिजोर्ट या धार्मिक कार्यों के लिए हो रहे अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उस पर सख्ती के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मदरसों के सत्यापन के साथ ही डेमोग्राफिक चेंज के प्रकरणों में भी सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था, अपराध अतिक्रमण, आपदा आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहनता के साथ समीक्षा की और समीक्षा बैठक में सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने जनपद पार जिलाधिकारियों से उनके स्तर पर की जा रही कार्यवाही और समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर सभी संबंधित बिंदुओं का कैलेंडर तैयार कर उनकी पाक्षिक या मासिक समीक्षा कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही प्रदेश में हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में सभी अधिकारी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। सीएम ने कहा कि देवभूमि हमारा प्रदेश है, यहाँ अमन, चैन, शांति हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाए, ईमानदारी से कार्य करने वालों को परेशान न किया जाए, बाहरी प्रदेशों से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ ही भविष्य में प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के कारण किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ सचिवालय में सोमवार को 9 मीटिंग डे और पर्वतीय जिलों में 10 से 1 बजे तक अधिकारियों के जनता से मिलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उधम सिंह नगर की भांति ई समाधान चौपाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सीएम ने सड़कों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, चंद्रेश यादव, अपर सचिव अतर सिंह सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, वर्चुअल रूप से सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट।